Assalamualaikum. So I am at Beijing Nan railway station, and this is basically the biggest railway station and the newest railway station in Beijing. High speed trains यहाँ से चलती हैं और यहाँ पे जो railway stations हैं वो भी किसी airport से और lavish luxurious airport से कम नहीं है. अंदर से मैं आपको लेकर चलती हूँ, दिखाती हूँ. In Beijing there are total 6 railway stations. So let's go inside and check in. We are at Beijing train station, and you can see behind me there are lots of shops. जिस तरह airports की duty free होती है, उसी तरह this is Beijing's train station. High speed railway station है ये इनका, यानी कि bullet trains और वो सारी electric trains जो हैं वो इनकी यहाँ पर चलती हैं. 1897 में ये पहली बार बना था. 1897 में इसको लॉन्च किया गया था, इसका इनॉग्रेशन हुआ था. उसके बाद ये इसकी जो रेनोवेशन है, जो आपको ये कंटेम्प्रेरी स्टाइल एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये 2008 में इसकी रेनोवेशन हुई थी. और इसकी जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी है, ये तो है ही कि हमारे यहाँ ऐसे, मतलब हम देखते हैं कि एयरपोर्ट्स नज़र आते हैं, मतलब मुख्तलिफ मुल्कों के इस किस्म के लैविश और लग्जूरियस एयरपोर्ट्स होते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ दुकानें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, हसल बसल है. लेकिन ये यहाँ पर इनका रेलवे स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है. अच्छा, इसके अंदर एंट्री का ये जो तरीका है वो ये है कि एंट्री इसकी आप करते हैं अपने इनका जो नेशनल आईडी कार्ड है उसके थ्रू. और टिकट्स वगैरह इधर, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है, आपको पता है चाइना टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, तो हर चीज़ ऑनलाइन है. यू परचेज योर ट्रेन टिकट्स ऑनलाइन एंड देन यू एंटर दिस बिल्डिंग, एंटर दिस रेलवे स्टेशन थ्रू योर आईडी कार्ड. और दूसरी चीज़ ये जो मैं कंटेम्प्रेरी स्टाइल बिल्डिंग की बात करी थी, अगर आप इसकी छत देखेंगे तो इसमें आपको लाइट नज़र आएगी. और लाइट चूँकि शीशे लगे हुए हैं और पूरा ये रोशन है, जिसको कहते हैं जैसे किसी ने लाइट लगाई है, तो ये नेचुरल लाइट यूज़ करते हैं. इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स हैं इधर बहुत सारी, और ये एनर्जी कंजर्व करते हैं, एनर्जी ज़ाया नहीं करते. इस वक्त मुझे इस ट्रेन स्टेशन में एक भी बल्ब ऑन नहीं हुआ हुआ नज़र आ रहा. लेट्स गेट ऑन द हाई स्पीड ट्रेन एंड एक्सपीरियंस दिस वंडर ऑफ द वर्ल्ड made by China. हम हैंगजू की तरफ जा रहे हैं और ये a sea of buildings, और ये सारी इस चीज़ की गवाही देता है कि यहाँ पे सारी डेवलपमेंट जो है वो वर्टिकल जा रही है, जिसके लिए पाकिस्तान में भी बड़ी बात होती है कि हमें वर्टिकल तरीके से अब अपनी रेजिडेंस को, जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनको यूटिलाइज़ करना है, ताकि ग्रोथ जो है वो अपवर्ड्स हो इंस्टेड ऑफ साइडवेज. हाई स्पीड ट्रेन का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि ये जो क्लास आपको नज़र आ रही है, जिसमें लेफ़्ट साइड पर 3 सीट्स हैं और राइट साइड पर 2 सीट्स हैं, ये इकोनॉमी क्लास है. और हमें इन्होंने इकोनॉमी प्लस क्लास में बिठाया है. ये भी कोई बहुत बुरी नहीं थी, बहुत लो लेवल की नहीं थी, ठीक थी. लेकिन इकोनॉमी प्लस क्लास जो है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कितनी इंटरेस्टिंग है और वो कितनी खुली है, कितनी स्पेशियस है और उसकी सीट्स कैसी हैं. आ जाएँ आप. So this is economy plus class that you are seeing behind me. ये अच्छी खासी बड़ी बड़ी सीट्स हैं, खुला कितना ये लेग रूम है इनका, और अच्छी खासी ये भी कम्फर्टेबल है और बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी ट्रेन है. अब मैं आपको इस नेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ. उसकी वजह ये है कि मैंने आके यहाँ पर ये देखा कि भाई ये क्यों इतनी तरक्की कर गए और हम क्यों नहीं. ज़ाहिर है नारे शारे तो हम भी बड़े लगाते हैं, तो हम क्यों नहीं इस प्रोग्रेशन को कभी अचीव कर सके या इसके करीब जा सके, हमने इसकी तरफ सफ़र क्यों नहीं शुरू किया. उसकी वजह ये है कि इस कौम की सिंसेरिटी अपने मुल्क के साथ इस कदर है कि आपको मैं बता नहीं सकती. वो सिंसेरिटी हमने बतौर इंडिविजुअल्स और बतौर कौम दोनों ही सतहों पर कम है. उसकी एक मिसाल ये है कि हमें जो लोग अकंपनी कर रहे हैं, इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस ट्रिप पर, वो ज़ाहिर है हमारा ख्याल रख रहे हैं, हमारे खाने पीने का, रहने सहने का, हमारे ट्रैवल का. तो उन्होंने हमें, तो क्योंकि हम मेहमान हैं, इकोनॉमी प्लस क्लास में बिठाया है, विच इज़ वेरी हाई एंड और बड़ी अच्छी इसकी सर्विस है. खुद वो लोग बैठे हैं इकोनॉमी क्लास में. हमने उनसे पूछा, व्हाई आर यू नॉट सिटिंग विद अस, आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठे, हमारे साथ बैठे, गपशप लगे, डिस्कशंस हों. उन्होंने कहा हम एंटाइटल्ड नहीं हैं, एंटाइटल्ड नहीं है हम. रिमेंबर दिस वर्ड, कीप दिस वर्ड इन योर माइंड कि हम एंटाइटल्ड नहीं है. और जिस क्लास में आप लोग बैठे हैं, ज़ाहिर है उसका टिकट ज़्यादा है. हमारी, हमें इतना ही अलाउड है बाय रूल्स के हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हुए उस क्लास में बैठे हैं और आप लोगों को हम वो कंफर्ट प्रोवाइड करें. ज़ाहिर है आप हमारे मेहमान हैं, आप लोगों के लिए हर चीज़
हमने अरेंज की है, लेकिन अपने लिए हम उसी लेवल के एंटाइटलमेंट हमारी हुई हुई है जिस लेवल में हम बैठे हैं, विच इज़ दी इकोनॉमी। अगर हमारे यहाँ हो तो ब्यूरोक्रेट साहब हों या वज़ीर हों या मुशीर हों या वज़ीर आज़म हों या जो भी हो, पूरे पूरे जहाज़ भर के लेके जाते ने जा के कर रहे हैं, किसी स्टेट विजिट पे जा रहे हैं या किसी और दौरे पे जा रहे हैं, सारा चाचा मामे का पुत्र भी आसी ते खाला भी आसी ते खाली दी धी भी आसी, और ये सारे काम हम करते हैं। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग हमारे साथ सिर्फ अगले बोगी की सीट पे नहीं बैठे। सो आवर फूड इज़ हियर, और अब मैं आपको दिखाती हूँ इस ट्रेन की कमालात। सिर्फ हाई स्पीड ही नहीं है इसमें, और भी सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी हैं। और एक स्टेशन पे हमने खाना ऑर्डर किया था, खाना जो है वो आ गया, और ये ट्रेन का छोटा सा लगा है वो इसलिए कि साथ से एक और हाई स्पीड ट्रेन हो गई हमारा है। खाना खाना बहुत है, तो हम ये खाते हैं और आप भी कुछ खा लें। हमें जो लोग कंपनी कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने हमें ज़ाहिर है दोपहर को खाना शाना खिला के फुल करके ट्रेन पे बिठाया, सो वो भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। हमारे लिए तो ये खाना आ गया है जो उन्होंने ऑर्डर किया था, लेकिन उन्होंने अपने लिए कोई खाना ऑर्डर नहीं किया। अब वो सरकारी मुलाजमीन हैं, प्रोफेसर्स हैं और अच्छे पढ़े लिखे मतलब खाते पीते लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए खाना ऑर्डर नहीं किया क्योंकि जो स्टेट का बजट है, जो अलॉटेड बजट है, वो हम पे तो इस्तेमाल हो रहा है लेकिन उन पे उस तरह से शायद इस्तेमाल नहीं हो सकता, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी मामला है। सो उन्होंने अपने लिए खाना ऑर्डर नहीं किया। जो दोपहर को हम सब ने मिल के खाया था अलॉन्ग विद देम, वो जो लेफ़्ट ओवर्स हैं वो खाएँगे, आप अंदाज़ा लगाएँ। और इससे सिर्फ ये चीज़ जहन में रखिए और सोचिए और सवाल कीजिए खुद से कि हम अपने मुल्क के साथ कितने सिंसेयर हैं, क्या हैं या नहीं हैं, और दूसरी नेशंस को ज़रा पढ़ें, देखें, समझें और उनको जानें कि वो अपने नेशन के साथ, अपने मुल्क के साथ कितने सिंसेयर हैं। किस कदर ये साफ सुथरा और किस कदर ये साफ सुथरा वॉशरूम है, सफाई, गर्म पानी, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, हैंड वॉश, टिश्यूज, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आप अंदाज़ा लगाएं, और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे सिर्फ जहाज़ों का जो हाल है बाथरूम का, जिसका कि हम हज़ारों रुपए का टिकट देते हैं, उनके बाथरूम का क्या सूरत हाल होती है। ट्रेनें तो दूर की बात है कि हमारे यहाँ इस तरह के बाथरूम हम पता नहीं अगले 20 साल में भी देखें या ना देखें। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एयरपोर्ट पर हूँ, बट है इस ट्रेन से मैं उतरी हूँ। और हैंगजू के बारे में एक ख़ास बात कहते हैं यहाँ पर रहने वाले, वो ये कहते हैं कि आसमानों में ऊपर जो है वो हेवेंस हैं, यानी कि जन्नतें हैं, और जन्नतों के नीचे हैंगजू है। दे से इन इंग्लिश दैट अबव द स्काइज देयर इज़ हेवन एंड अंडर दैट हेवन इट्स हैंगजू।